अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन ऑनलाइन क्लास ऑफ बीएससी बॉटनी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉलनकाइमा सेल स्ट्रक्चर एंड देयर डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अगर कॉलनकाइमा सेल्स के इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं तो आपको पता है हमने कहा था कि कॉलनकाइमा बेसिकली थिक और थिन बॉल्ड सेल्स हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादातर एंगुलर थिकनिंग अपीयर हुई भी होती है, लिग्रीन डिपॉजिट हुआ होता है स्पेशली उन एजेस के ऊपर जहाँ से दो वॉल्स एक दूसरे को टच करती हैं। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये ओवरऑल पूरी की पूरी वॉल्स इनकी लिग्निफाइड नहीं होती, लेकिन कुछ एरियाज़ में कुछ एंगल्स के ऊपर थिकनिंग अपीयर हुई भी होती है। सेल वॉल की बात करें तो कॉलनकाइमा सेल्स जो हैं बेसिकली इनमें डिस्टिंक्टिंग फीचर है कि इनमें अनइवनली थिकेंड सेल वॉल मौजूद है, प्राइमरी पिट फील्ड एरियाज मौजूद हैं जो कि बहुत थिक और थिन दोनों तरह की वॉल्स कंसिस्ट करते हैं। इनकी जो वॉल है उनमें सेलुलोज, पैक्टिक सब्सटेंसेस, हेमी सेलुलोज और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर मौजूद होता है। इसी तरह से ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इनकी वॉल के अंदर सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि सक्सेसिव लैमेलाज में जो है वॉल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारी जगहों पर डाइकॉट्स में कॉलनकाइमा सेल्स क्लेरिफाइड हैं, यानी कि उस पर डेपोजिशन हुई भी होती है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि कॉलनकाइमा जो है वो यंग या हर्बेशियस प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओल्डर पार्ट ऑफ प्लांट में कॉलनकाइमा समटाइम मेरिस्टमेटिक हो जाते हैं, इनकी एक्टिविटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से वो एक्टिव ग्रोथ को शो करते हैं, और समटाइम वो प्लांट के जो सरकमफेरेंस है उसको इंक्रीज़ करने में प्लांट की हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी विड्थ इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब थिकनिंग की बेस पर कि किस तरह की थिकनिंग है उनकी सेल वॉल पर या सेल के अरेंजमेंट किस तरह से हुई हुई है, हम कॉलनकाइमा सेल्स को डिवाइड करते हैं थ्री मेन टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ एंगुलर कॉलनकाइमा। एंगुलर कॉलनकाइमा जो है उसमें वॉल जो है वो अनइवनली थिकन होगी, और उसमें जो थिकनिंग आपको नज़र आएगी वो हमेशा सेल के कॉर्नर्स के ऊपर स्पेसिफिक एंगल्स पर ही नज़र आएगी, ठीक है। जैसे कि लीव्स की पटियोल में वाइटस एक प्लांट है, बेल है बेसिकली, उसकी लीव पटियोल में ये कॉलनकाइमा सेल्स में एंगुलर थिकनिंग देखी गई है। बिगोनिया के अंदर कुकरबीटा के जितने भी मेम्बर्स हैं उनमें आपको ज़्यादातर ऐसी थिकनिंग अनइवनली थिकन कॉलनकाइमा सेल्स नज़र आते हैं। लैमेलर कॉलनकाइमा की बात करें तो लैमेलर कॉलनकाइमा में थिकनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है ऑन टेंजेंशियल वॉल्स, ठीक है, टेंजेंशियल वॉल्स के ऊपर थिकनिंग अपीयर हुई हुई होती है। जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है सेम्ब्यूकस नाइग्रा एक प्लांट है उसके कॉर्टेक्स के अंदर, इसी तरह और बहुत सारे प्लांट्स हैं, समटाइम उनकी पटियोल्स में किसी की कॉर्टेक्स में स्टेम में ये थिकनिंग अपीयर हुई हुई होती है। जैसे ये आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है लैमेलर कॉलनकाइमा, जो ख़ास किस्म की जहाँ पर वॉल्स कर्व्स मौजूद हैं उन कर्व्स के ऊपर वहाँ पर थिकनिंग आपको नज़र आ रही है, ठीक है, जहाँ से भी कर्व आ रही है या जहाँ से टच हो रही है वॉल दूसरी के साथ, जहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, जहाँ पर भी फेसेस मौजूद हैं उसके सामने वाली साइड पर आपको थिकनिंग नज़र आएगी। दीज आर ऑल लैमिलर कॉलनकाइमा सेल्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेक्यूनर कॉलनकाइमा की। इसमें जो थिकनिंग है वो हमेशा अपीयर होगी उन साइड्स के ऊपर जहाँ जो फेस करती हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस को, जैसे पेटियोल्स के ऊपर अपीयर होती हुई नज़र आती है इन कंपोजिटी यानी एस्टेरेसी फैमिली में, सेल्विया के अंदर, मालवा स्पीशीज़ में, ठीक है। ये जो लास्ट वन आपको दिया हुआ है ये एन्यूलर सॉरी लेक्यूनर है। लेक्यूनर के अंदर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको नज़र आएगी इंटरसेलुलर स्पेस, सेकेंड लास्ट जो है उसमें जहाँ इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ पर आपको अपीयर होती हुई नज़र आ रही है थिकनिंग। और एक एडिशनल टाइप एन्यूलर है जिसमें ल्यूमन जो है वो सर्कुलर है इन क्रॉस सेक्शन, ये लास्ट वन जो है वो सर्कुलर है, देख लें आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पर थिकनिंग अपीयर होती हुई नज़र आ रही है। यानी ओवरऑल तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी एंगुलर जो खास एंगल के ऊपर है, टेंजेंशियल जो कि वॉल्स जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहाँ पर टेंजेंशियल एंड्स के ऊपर आपको लैमेलर कॉलनकाइमा में थिकनिंग नज़र आएगी। फिर लेक्यूनर है कि जहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं उस जगह पर थिकनिंग होगी, और सिमिलरली एन्यूलर है कि अगर क्रॉस सेक्शन में ल्यूमन जो है वो सर्कुलर है तो वहाँ पर थिकनिंग अपीयर हो जाती है। फंक्शन के हवाले से देखें तो कॉलनकाइमा मैकेनिकल टिश्यू है जिसका काम प्रोवाइड करना है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्पेसिफिकली हर्बेशियस प्लांट्स हो या सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स को। फिर लीव्स के अंदर बात करें तो कॉलनकाइमा वेस्कुलर बंडल्स के दोनों साइड्स पर मौजूद होता है ताकि वो सपोर्टिंग टिश्यू के तौर पे बिहेव कर सके। फिर
फिर वेस्कुलर बंडल्स में लीव्स के ये समटाइम बंडल कैप या बंडल शीट बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं, हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था। एडिशनल लेयर बना लेते हैं जो कि प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फिर कॉलनकाइमा जो है वो क्लोरोप्लास्ट के साथ अगर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो फोटोसिंथेटिक फंक्शन होगा, ये अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लेते हैं और इस तरह फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की तरफ। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल से टिश्यूज़ हैं जो कि थिक वॉल्ड होते हैं, ज़्यादातर लिग्निफाइड होते हैं, इन पर लिग्निन की डेपोजिशन होती है और इनका काम जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। इंडिविजुअल एक सेल की अगर हम बात करें तो हम इन्हें स्क्लेरेनकाइमा सेल कहते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स शेप, साइज, ओरिजन और डेवलपमेंट के प्रोसेस में सब एक दूसरे से डिफर करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पीशी जो है वो इनकी ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जनरली स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो टू टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, फाइबर और स्क्लेरेट्स में। फाइबर्स यूजली हम कहते हैं लॉन्ग होते हैं इन साइज़, और स्क्लेरेट्स जो हैं वो शॉर्ट सेल्स हैं, यानी स्टोन सेल्स भी स्क्लेरेट्स को कहते हैं। तो फाइबर लॉन्ग सेल्स हैं और स्क्लेरेट्स शॉर्ट सेल्स हैं। एक टर्म हम यूज़ करते हैं फाइबर स्क्लेरेट्स की। फाइबर स्क्लेरेट्स का मतलब है कि ये जब हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ कि ये फाइबर्स हैं या स्क्लेरेट हैं, यानी दोनों से इनका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता हो, तो फिर हम उन्हें फाइबर स्क्लेरेट्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, अलबत्ता ये देखा गया है कि जब ये मेच्योर हो जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल तो इनका जो लिविंग कंटेंट है यानी जो प्रोटोप्लास्ट है वो लूज हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा लिग्निफाइड होते हैं, होल वॉल इनकी लिग्निफाइड होती है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल हैं, जबकि पेरेनकाइमा और कॉलनकाइमा में लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वो यानी उनमें लिविंग कंटेंट मौजूद है प्रोटोप्लास्ट, तो इसलिए हम नाम देते हैं कि वो लिविंग कंटेंट है, लिविंग सेल्स हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड सेल्स आ जाते हैं। फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स जो हैं बेसिकली प्लांट बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें बहुत सारे सिंगल भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ईडियोब्लास्ट के तौर पे बिहेव करते हैं और सम टाइम वो नेटवर्क की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एज अ होलो सिलेंडर और बैंड्स की फॉर्म में। फिर अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर वेस्कुलर टिश्यूज़ के जो है राउंड अबाउट उनके दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं, और सम टाइम ग्राउंड टिश्यूज़ में भी आपको मिल जाते हैं, कॉर्टेक्स वाले रीजन में भी हो आपको नज़र आते हैं, जाइलम और फ्लोएम वाली साइड्स पर भी। अब प्लांट बॉडी में इनकी पोजीशन क्या है उस बेस पर हम इन्हें क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन में टाइप है डेट इज़ जाइलरी फाइबर। जाइलरी फाइबर, जाइलरी वर्ड एसोसिएटेड है जाइलम के साथ, तो वो फाइबर्स जो जाइलम के साथ लिंक्ड हैं, एसोसिएटेड हैं और जो डिवेलप होते हैं फ्रॉम द सेम मेरिस्टमेटिक टिश्यू, एक ही जैसे मेरिस्टमेटिक टिश्यू से जिनसे जाइलम डेवलप हुआ है, तो हम उन्हें जाइलरी फाइबर्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सेकेंड टाइप जो है जाइलरी फाइबर की, जाइलरी फाइबर से ही हम आगे जो है वो कह देते हैं उनकी उसकी फर्दर टाइप्स है, लेकिन वैसे जनरली हमने कहा जाइलरी फाइबर। और दूसरी टाइप है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर वो फाइबर्स हैं जो कि प्लांट के किसी भी हिस्से से बिलोंग कर सकते हैं अदर देन जाइलम। ठीक है, उसमें हो सकते हैं, जैसे फ्लोएम में हो सकते हैं, कॉर्टेक्स में हो सकते हैं, होते तो ये भी लॉन्ग और स्पिंडल लाइक ही हैं, जैसे फाइबर्स की अपनी शेप होती है एक्यूट और ब्लंट एंड के साथ, और इनकी वॉल भी उसी तरह से थिक हो सकती है, सिंपल बॉर्डर्ड पिट्स हो सकती हैं। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि वो किस हिस्से में प्लांट के मौजूद हैं, उस लिहाज से उन्होंने अपना स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप किया हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे आप ये यहाँ देख सकते हैं, ये जो जाइलरी फाइबर्स हैं इनमें आपको ये ट्रेकीड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फिर ये फाइबर्स इसी तरह के होते हैं, ऊपर से टैपरिंग, नीचे से भी टैपरिंग एंड है, और बीच में जो है वो आपको होल्स जो नज़र आ रहे हैं वो एक्चुअली पिट्स हैं जो कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कर रही होती है फ्रॉम वन टू अनदर सेल। फिर हम बात करते हैं जाइलरी फाइबर्स को हम क्लासिफाई करते हैं टू फॉर्म्स में, ये डिपेंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनेस और द टाइप ऑफ पिट दैट इज़ प्रेजेंट इन दो सेल्स। सबसे पहले हम कहते हैं लिब्री फॉर्म फाइबर है। लिब्री फॉर्म फाइबर, लिबर का मतलब होता है बार्क, इनर बार्क। तो ज़्यादातर ये फाइबर्स जो हैं वो फ्लोएम फाइबर से रिजेंबल करते हैं और ये एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड होते हैं और इनमें सिंपल पिट्स मौजूद होती हैं। फाइबर ट्रेकीट्स की बात करें तो इनकी वॉल्स जो हैं वो लिब्री फॉर्म की नस्बत लेस थिकर हैं, कम थिक होते हैं ये, लेकिन इनकी थिकनिंग ट्रेकीट्स से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पिट्स जो हैं इनमें बॉर्डर्ड होती हैं और पिट चैम्बर इनमें अलबत्ता स्मॉल है ट्रेकीट्स की नस्बत, लेकिन बॉर्डर्ड पिट्स एग्जिस्ट करती हैं। फिर एक और टाइप भी सेकेंडरी जाइलम के अंदर फाइबर्स की नज़र आती है डाइकॉट स्टेम में,
उसे हम म्यूसिलेजिनस फाइबर का नाम देते हैं। इनमें जो इनर मोस्ट वॉल होती है सेकेंडरी वॉल की, उसमें बहुत ज़्यादा सेलुलोज और डिपॉजिट होता है, और उसमें लिग्निन काम होता है। यानी ज़्यादातर हमने देखा है कि स्क्लेरेनकाइमा में स्क्लेरेट्स या फाइबर्स जो भी हैं उनके अंदर, उनकी वॉल के ऊपर जो है वो सेकेंडरी वॉल पर ज़्यादा लिग्निन की डेपोजिशन है, लेकिन इनके अंदर जो है वो इनर वॉल जो है वो सेलुलोज की ज़्यादा बनी हुई है, लिग्निन उसमें पुअर है। इस लेयर को हम जी लेयर का नाम देते हैं। इस लेयर का एक्चुअली काम क्या होता है, हमने म्यूसिलेजिनस फाइबर इसलिए नाम दिया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्प्शन की वजह से स्वेलप हो जाते हैं, और फिर जाहिर सी बात है फाइबर का जो इंटरनल ल्यूमन है वो सारा वाटर फिल्ड होता है। तो इसीलिए हम इसको फाइबर जी लेयर हम इसको नाम दे रहे हैं, और इस टाइप को हम कहते हैं म्यूसिलेजिनस फाइबर टाइप। ठीक है, एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर में हमने कहा कि मोनोकॉट्स के स्टेम में एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर कॉन्टीन्यूस सिलेंडर की फॉर्म में भी हो सकते हैं ग्राउंड टिश्यूज़ में। इसके अलावा जो है ये डिफरेंट वेरियस डिस्टेंस के ऊपर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, एपिडर्मिस के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह समटाइम ये वेस्कुलर बंडल के आउटर मोस्ट लेयर के तौर पे भी एग्जिस्ट करते हैं, समटाइम ये शीथ बनाते हैं वेस्कुलर बंडल के मोनोकॉट्स में। ठीक है, समटाइम ये प्रोकैम्बियम से डेवलप हुए होते हैं और इस तरह ग्राउंड टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं। ठीक है, कभी कभी ग्राउंड टिश्यू से डेवलपमेंट इनकी हुई होती है। तो ये डिपेंड करता है उनका ओरिजिन वेरिएशन है, जैसे जैसे उनकी पोजीशन चेंज हो रही है प्लांट्स के अंदर। इसी तरह समटाइम फाइबर्स जो हैं वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स में भी हैं, और समटाइम वो सेंट्रल सिलेंडर फॉर्म में पेरीफ्री पर भी मौजूद हो सकते हैं। तो इस तरह के फाइबर्स जो कि पेरीफ्री पर मौजूद होते हैं उन्हें हम पेरीसाइकल फाइबर्स का नाम देते हैं। लेटर ऑन बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की गई, उस बेस पर हम एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर्स को डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट टाइप्स। नंबर वन है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर्स एक्चुअली वो फाइबर्स हैं जो कि फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड होंगे, चाहे वो प्राइमरी फ्लोएम के साथ लिंक्ड हो या सेकेंडरी फ्लोएम के साथ लिंक्ड हो, उनको हम फ्लोएम फाइबर्स का नाम देंगे। कॉर्टिकल फाइबर वो फाइबर्स हैं, नाम ही बता रहा है, जो जिनका रिलेशन कॉर्टेक्स के साथ होगा, यानी एसोसिएटेड होंगे कॉर्टेक्स से। पेरीवेस्कुलर फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जो कि वेस्कुलर सिलेंडर की पेरीफ्री के साथ जो है वो लिंक्ड होंगे, यानी कि कॉर्टिकल लेयर की इनर मोस्ट साइड पर वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, पेरीफ्री ऑफ वेस्कुलर सिलेंडर, जाइलम फ्लोएम के बाहर कॉर्टेक्स ही है सारी, तो यानी वो कॉर्टेक्स में मौजूद होंगे, यानी हम पेरीवेस्कुलर फाइबर का नाम देते हैं। फिर कुछ स्पीशीज़ के अंदर जैसे वाइटस है, उसमें फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादातर लिविंग प्रोटोप्लास्ट के साथ होते हैं। ठीक है, और वो डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वॉल, ट्रांसवर्स वॉल बना लेते हैं, जिसे हम सेप्टा कहते हैं, इन्हें हम सेप्टेट फाइबर्स कहते हैं। जैसे आपने डायग्राम पीछे देखा है, लास्ट वाली डायग्राम जो है ये सेप्टेट फाइबर की, आपने देखा ये पूरा फाइबर था लेकिन बीच में वॉल्स बन गए जिससे सेगमेंट्स बन गए इसके, ये सेप्टेट फाइबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ फाइबर सब्स्टिट्यूट फाइबर कहलाते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स हैं उनमें सेकेंडरी जाइलम के अंदर कुछ एलोंगेटेड सेल्स मौजूद हैं सेकेंडरी सेल वॉल के साथ, और उनमें जाइलम पेरेनकाइमा की तरह थिकनेस जो है वो इक्वल हो सकती है, जाइलम पेरेनकाइमा में जितनी थिकनेस है उतनी इनमें भी पेयर हो सकती है। इनका भी जो सेल प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग होता है, इसीलिए हम इनको सब्स्टिट्यूट फाइबर का नाम देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है जाइलम पेरेनकाइमा से। तो क्योंकि जाइलम को जाइलम पेरेनकाइमा की जगह भी ये ले सकते हैं समटाइम्स, यानी इतने रिजेम्बलेंस हैं इन फाइबर्स की, तो हम इनको नाम देते हैं सब्स्टिट्यूट फाइबर का। सब्स्टिट्यूट होता है ना, एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर दिया जाए, उसकी जगह आकर वो उसका वाला फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दे। तो जाइलम पेरेनकाइमा से सिमिलैरिटी की बेस पर हमने इसको सब्स्टिट्यूट फाइबर का नाम दिया हुआ है। फिर कुछ होते हैं बास्ट फाइबर। ये बास्ट फाइबर शॉर्ट के रेफरेंस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म है, कि एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर में एक ग्रुप आता है बास्ट फाइबर का। बास्ट वर्ड का मतलब होता है बाइंड करना। तो ये बास्ट वर्ड हम जनरली अप्लाई करते हैं फाइबर स्ट्रैंड्स के ऊपर जिनमें एक्स्ट्रा कैम्बियल रीजन है डाइकॉट स्टेम में। ठीक है, तो ये नेम हमने इसलिए इसको दिया है कि ये बाइंडिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, इसलिए इनको बास्ट फाइबर्स का नाम देते हैं। साइज, शेप और ओरिजिन की बात करें तो हमने कहा फाइबर की शेप वेरिएशन है बहुत ज़्यादा है, कोई लॉन्ग है, कोई नैरो सेल्स होते हैं, समटाइम टैपरिंग एंड है, कुछ नीडल लाइक हो सकते हैं, देखिए कुछ के ब्रांच एंडिंग भी देखी गई है। तो लेंथ भी इनकी वेरी करती है, कि कैनाबिस के अंदर जो है भंग जो है उसमें फाइबर 0.5 से 5.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बोहिमिया जो है एक प्लांट है बोहमेरिया, उसमें 0.8 से 6.9 सेंटीमीटर है। इसी तरह समटाइम ये लेंथ 55 सेंटीमीटर्स तक भी जो है वो ऑब्जर्व की गई है, वो डिपेंड करता है कि कितना टॉल ट्री है उसके ऊपर।
फिर फाइबर जो है वो वेरियस मेरिस्टेम से अराइज होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के जो फाइबर्स हैं वो प्रोकैम्बियम और कैम्बियम दोनों से ड्राइव हुए हुए हो सकते हैं। फिर उनमें कैम्बियम में हम कहते हैं कि इनके कुछ खास इनिशियल्स होते हैं जिन्हें फ्यूजी फॉर्म इनिशियल्स कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर आपको पता है वो या तो फ्लोएम से रिलेटेड हैं तो फ्लोएम वाले इनिशियल से निकलेंगे, या वो ग्राउंड मेरिस्टेम में कॉर्टेक्स वगैरह के पार सेल से अराइज हुए हुए होंगे, होते हैं वो फाइबर्स की तरह एलोंगेट ही हैं। फिर सम टाइम पैरेन्काइमा सेल से भी ये डेवलप हुए हुए होते हैं, ठीक है। ग्रैमिनी पोएसी और सिप्रेसी के अंदर जो है फाइबर्स वो प्रोटोडर्म बाहर वाली लेयर से भी डेवलपमेंट उनकी ऑब्जर्व की गई है। जाइलरी फाइबर्स भी इसी तरह से जाइलम से ही, क्योंकि उनका रिलेशन होता है, तो ये ट्रेकीड से जो जाइलम के इंपॉर्टेंट पार्ट है या तो जाइलम से डायरेक्टली इवॉल्व होंगे या ट्रेकीड से जो है वो इनका देखा गया, और उनके नंबर ऑफ पिट्स भी इसी तरह से वेरी करती हैं। इकोनॉमिक फाइबर की बात करें तो कमर्शली फाइबर जो हैं उनको हम कहते हैं दे डजेंट हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड बाय बॉटनिस्ट, ठीक है। उसमें हम कहते हैं कि कुछ कमर्शली भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बहुत सारे फाइबर्स हैं जो कि बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसी तरह कुछ मोनोकॉट लीव्स में से अगर आप देखें उनमें से फाइबर्स को आइसोलेट किया जाता है जो कि शीट बनाकर रह रहे होते हैं, बंडल शीट के तौर पर। कुछ जो है वो एपिडर्मल हेयर्स के तौर पर जो है वो बिहेव करते हैं। तो कमर्शियल फाइबर्स जो है वो आगे उनमें वेरिएशंस जो है वो देखी गई हैं, जैसे कॉटन के अंदर है कमर्शियल फाइबर्स ऑफ कॉटन, ठीक है। कमर्शियली फिर हम उनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, कुछ फाइबर्स हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं। जो हार्ड फाइबर है उनमें लिग्निन कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है वॉल के अंदर, इसलिए वो स्टिफ इन नेचर हैं, सख्त हैं। मोनोकॉट्स में ज़्यादातर ये ऑब्जर्व किया गया है, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये हार्ड फाइबर्स हैं। कुछ जो हैं वो सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं कि उनमें लिग्निन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और हो सकता है कि लिग्निन मौजूद हो लेकिन बहुत ज़्यादा डेपोजिशन ना हो। ऐसे फाइबर्स फ्लेक्सिबल भी होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं, ठीक है। तो ये आप कोई सी भी एक एग्जांपल इनमें से याद कर लें, पटसन की कर लें इसमें, ठीक है, और हार्ड फाइबर में आप जैसे साल प्लांट की या हेम्प की कर लें। इसी तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी, कि कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम इसको। जैसे सबसे पहले टेक्सटाइल फाइबर हैं, बहुत सारे फाइबर्स को हम मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर रहे थे फैब्रिक्स की, तो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कॉटन फाइबर कॉटन बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। फिर जूट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसमें से हम एक फ़ाइबर निकालते हैं जो बैगिंग सैकिंग वगैरह में, ये थैले वगैरह बनाने में और इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। कॉटेज फाइबर है, कॉटेज वर्ड का मतलब ही रोप है, तो इसका मतलब ये फाइबर रोप्स बनाने में इस्तेमाल होगा, इसमें भी कॉटन आ जाता है, ये भी हार्ड फाइबर से ही मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी। ब्रश फाइबर्स हैं इसके अलावा, ये जो ब्रशेस और ब्रूम झाड़ू वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ब्रशेस वगैरह जो सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इसमें सॉर्गम वल्गेर की इन्फ्लोरेसेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये बनाने में इस्तेमाल होती है। फिलिंग फाइबर हैं इसके अलावा जो स्टफिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी चीज़ को फिलअप करने के लिए, जैसे मैट्रेसेस हैं उनको बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइफ बेल्ट्स हैं उनको बनाने के, इसमें भी जूट कॉटन दोनों की जो है फाइबर्स आ जाते हैं। इससे अलावा फाइबर को हम पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेट्स को हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं, इनकी डिफरेंट शेप्स हैं, ये थ्रू आउट द प्लांट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कॉर्टेक्स और पिथ ऑफ जिम्नोस्पर्म डाइकॉट में भी देखा गया, इन्हें ग्रुप्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम का कॉम्पोनेंट भी होते हैं ये, तो हम इनको कहते हैं कि अगर मीजोफिल सेल्स में स्क्लेरेट्स देखा जाए तो वो डिफ्यूज होते हैं, इसलिए हम उसको डिफ्यूज स्क्लेरेट्स कहते हैं, यानी कि वो वेन्स जहाँ जहाँ पर एंड हो रही होती है उन वेन एंडिंग्स के साथ साथ मौजूद होते हैं। कुछ टर्मिनल स्क्लेरेट्स होते हैं जो कि फ्रूट सीड्स वगैरह में कॉमन है, उनमें जो फ्रूट का सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट है उनमें ये डिस्पर्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। जैसे पायरस नाशपाती के अंदर, नाशपाती आपने देखा थोड़ी सी हार्ड होती है खाने में भी, तो वहाँ पर स्क्लेरेट्स मौजूद है उसके फ्लैशी पार्ट में, इसलिए वो थोड़ी हार्ड है, ठीक है। इसी तरह जो नट शेल्स हैं उन या स्टोन फ्रूट्स हैं उनके अंदर आपको शेल्स में और बाहर कवरिंग के अंदर हार्ड लेयर नज़र आ रही है, वो स्क्लेरेट्स की वजह से है, ठीक है। हर वो फ्रूट, हर वो सीड्स जिसके बाहर शेल्स मौजूद हैं, या हर वो फ्रूट जो खाने में थोड़ा सा स्टिफ है, वहाँ पर आपको स्क्लेरेट्स मिल सकते हैं। फिर कुछ प्लांट्स हैं जिनमें स्क्लेरेट्स इडियोब्लास्टिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि सेल्स डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स, शेप में भी और थिकनेस में भी। कॉमनली स्क्लेरेट्स को हम उनकी शेप, साइज या नेचर की बेस पर या कौन सा मटेरियल उनके ऊपर डिपॉजिट है वॉल में, सेकेंडरी वॉल में, हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहले हम कहते हैं ब्रैकियोस्क्लेरेट्स हैं। ब्रैकियोस्क्लेरेट्स का मतलब है स्टोन सेल्स जो मोर और लेस आइसोडायमेट्रिक होंगे, जिनका डायमीटर
सेम भी हो सकता है और थोड़ा बहुत डिफरेंस देखा गया। ये कॉर्टेक्स में, फ्लोएम में, पिथ ऑफ स्टेम में, फ्रूट्स के फ्लैशी पार्ट में आपको नजर आता है, स्पेशली पियर्स के अंदर, नाशपाती, पायरस, कम्यूनस में। मैक्रोस्क्लेरिड्स हैं जो थोड़े से रॉड शेप हैं, या आप इनको इलॉन्गेटेड स्क्लेरिड्स कह सकते हैं, जो सीड टेस्टा के अंदर, बाहर जो कवरिंग है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के सीड्स जो हैं उनके अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। वो आप देखें उनके सीड हार्ड होते हैं। ऑस्टियोस्क्लेरिड, ऑस्टियो वर्ड का मतलब ही बोन है, तो ये बोन शेप्ड होंगे, इलॉन्गेटेड, एनलार्ज या ब्रांच एंड के साथ हो सकते हैं, ये सीड कॉर्ड या लीव्स में एग्जिस्ट करते हैं, डायकॉट में। एस्ट्रोस्क्लेरिड स्टार शेप्ड होते हैं, ठीक है, निम्फिया के अंदर जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जो वाटर प्लांट हैं। फिर फिलीफॉर्म स्क्लेरिड्स जो हैं वो लॉन्ग और सिलेंडर होते हैं, ये ऐसे ही लगते हैं जैसे फाइबर्स हैं, लेकिन एक्चुअली ये स्क्लेरिड्स हैं, स्टोन सेल्स हैं। ट्राइकोस्क्लेरिड्स ब्रांच भी होते हैं, थिन वॉल्ड भी होते हैं, और ये प्लांट के हेयर से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस भी मौजूद होती है जैसे ऑलिव्स के लीव्स के अंदर। स्क्लेरिड्स के सेल्स जो हैं वो इसी तरह से थिक लिग्निफाइड वॉल होती है उनकी, सेकेंडरी वॉल्स, जिनमें प्रोमिनेंट पिट्स मौजूद हैं, और वो यूजुअली सिंपल पिट्स होती हैं। इसके अलावा सेकेंडरी वॉल्स जो हैं वो एक चैम्बर बनाती हैं, ओवरऑल चैम्बर, जिसे हम कहते हैं स्मॉल पिट चैम्बर। फिर स्क्लेरिड्स के अंदर ल्यूमेन जो है वो फिल होता है समटाइम वॉल डिपॉजिट्स के साथ, यानी उसमें डेपोजिशन हुई हुई होती है। समटाइम इसकी सेकेंडरी वॉल में थिकनिंग ही इतनी ज़्यादा होती है, वो अनईवन थिकनिंग है, जैसे मैक्रोस्क्लेरिड सीड कोट्स के अंदर। और आपको पता है क्योंकि स्क्लेरन कायम है, तो ये भी मेच्योरिटी के ऊपर अपना जो प्रोटोप्लास्ट है, जो लिविंग कॉन्टेंट है, उसको लूज़ कर देते हैं, ठीक है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये रिटेन रखें, तो अगर ये लूज़ कर देंगे तो ऑब्वियसली ये डेड सेल हो जाएंगे। ओरिजिन की बात करें तो स्क्लेरिड्स जो हैं वो भी वॉल डेपोजिशन की बेस पे, सम टाइम पैरेन्काइमा सेल से, इसी तरह से कुछ इनिशियल्स हैं जिन्हें स्क्लेरेट प्राइमोडिया कहते हैं, वहाँ से अराइज हुए हुए होते हैं। समटाइम ये फ्लोएम से अराइज होते हैं, डिपेंड करता है अपना फंक्शन कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। फिर ये प्रोकैम्बियम और कैम्बियम इनिशियल से भी अराइज हो सकते हैं, इसके अलावा फेलोजिन से अराइज हो सकते हैं। फिर सीड कोट वाले जो मैक्रोस्क्लेरिड्स हैं वो प्रोटोडर्म से अराइज हुए हुए होते हैं। फिर जो पैरेन्काइमा सेल से अराइज होते हैं वो, और कुछ वो आपको कॉर्टेक्स के अंदर मिल जाते हैं, और सम टाइम वो आपको ग्राउंड मेरिस्टमैटिक सेल से भी अराइज हुए हुए नजर आते हैं कॉर्टेक्स के रीजन में। तो इनका रीजन भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू पोजीशन इन देयर ऑफ देयर दीज स्क्लेरिड्स इन द प्लांट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्लेरिड्स भी, और जो आपने पीछे फाइबर्स पढ़े उनकी टाइप्स भी, ये जाइलम में दोबारा से रिपीट होंगे, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ये वहाँ पर रिपीट नहीं आपने करने, ठीक, मैं दोबारा से नहीं बताऊँगी, ठीक है, यही वाले वहाँ पर भी आप कंटिन्यू करेंगे, तो इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है जाइलम में भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।